Hey guys, welcome back. This is Tarun again, back with another fitness video. तो आपने मेरी लेनी कर रखी है यार कि यार मुझे आप बताओ which is the best post workout meal, what is your post workout meal, what do you have? So you know what? This video is about me sharing what do I typically eat after my workout. This is very simple. I'm not a fancy guy. मैं ये नहीं हूँ, मैं वो उन चूतिए ट्रेनर्स की तरह नहीं हूँ जो दिखाते कुछ और हैं और खाते कुछ और हैं और लगाते कुछ और हैं पीछे. इट्स इज सिंपल एज स्टफ व्हाट आई ईट. आई एम अ वेजिटेरियन एंड आई एम गोना शो यू व्हाट एग्जैक्टली डू आई ईट. सिंपल, प्लेन एंड सिंपल. सबसे पहले व्हेन आई कम, आई हैव दिस दाल. दिस इज अ मिक्स दाल, यू नो, इफ यू कैन सी इट, इट हैज प्रीटी मच एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ. सी दिस, गरम है अभी. सी दिस, नो तड़का, नथिंग, जस्ट प्लेन फ्रिगिन दाल, दैट्स इट. और इसका पानी मैं ऑलरेडी पी चुका हूँ, अब ये दाल खाने का टाइम है. दैट्स दाल. कुछ नहीं करना, आपको सारी दालें कुकर में डालनी है. कुकर में डालने के बाद अबाउट अनदर 5 to 7 minutes ये दाल पीने के लिए तैयार होगी, खाने के लिए तैयार होगी और आपको वो खानी है. कुछ नहीं करना अगर इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट और इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू. दैट्स विल प्रोवाइड यू गुड रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन. दूसरी चीज दैट आई ऑलवेज टेक इज ब्राउन राइस. ब्राउन राइस थोड़ा कुक होने में ज्यादा टाइम लेते हैं. देखिए, अगर आपके पास, मेरे पास यहाँ पे एक ब्राउन राइस है, अबाउट 30 to 40 odd grams ब्राउन राइस कुक्ड. आई हैव सम दही विद सम जीरा. You know, dahi is again, you know, Greek yogurt, you know, it really helps, it's protein, plus brown rice, you know, about sustained carbs. And I have some onions, you know, onions, mera isliye bahut acha rehta hai because, you know, I love onions, it adds to my taste buds. These are some of the things that you really need to add. And ye aapka, agar if you were to balance it and if you were to calculate it, this will give you somewhere between both of them put together, but 60 to 70 grams or 80 grams of carbs and about close to about 20 to 25 odd grams of protein put together. कोई महंगा नहीं है, बिल्कुल basic stuff and anybody can do it. Workout के बाद I presume आपने whey protein ले लिया होगा. मैंने ले लिया, तो इसके बाद just I'm just about to gonna gorge on this food. दूसरी बात that I wanted to really clear out with every one of you is, जो आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर हमें ना abs करने, तो मेरा आपको ये जवाब है यार, यू नो, थिंक ऑफ एब्स लाइक अ गर्ल. एब्स को अपनी लड़की की तरह, अपनी गर्लफ्रेंड की तरह, वाइफ की तरह ट्रीट करा करो. वाइफ नहीं बोलूंगा, गर्लफ्रेंड बोलूंगा. यू नो, व्हेन यू आर यंग इन योर 20s, अर्ली 20s और लेट टीन्स, द मोर यू ट्राई टू डू योर एब्स, द मोर दे विल रन अवे फ्रॉम यू. सो पॉइंट इज कि आप जितना उसको कम करोगे वो उतना आपसे ज्यादा जुड़ेंगे. यू नो, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर. आप जितना एब्स करेंगे आप उतनी मसल तोड़ेंगे. सिमिलरली आप जितना लड़की के पास ज्यादा जाएंगे, लड़की आपसे उतना दूर जाएगी. मैं बात कर रहा हूँ जो, यू नो, द गर्ल दैट यू रियली लाइक एंड इफ यू रियली वांट टू बी विद यू, वांट हर टू बी विद यू. एब्स का भी वही रोना है. यू वांट दोज एब्स, यू नो, ऑन योर बॉडी, बट आप इतना कर लेते हो, आप इतनी बॉडी तोड़ लेते हो कि वो आपसे दूर भागना शुरू कर देते हैं. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट इफ यू हैव बॉडी फैट, फर्स्ट ट्राई टू मिनिमाइज दैट बॉडी फैट. हाउ टू मिनिमाइज दैट बॉडी फैट? You got to do, you got to lift heavy. So much heavy that, you know, it's 80% of your 1RM. मैंने जो इसके बारे में already बात कर चुका हूँ मैं. दूसरा, you have to eat clean. So stop thinking about products. You know, there are no products in the market. And दूसरी चीज that, you know, today is day 13 that I wanted to share. So, every time I see a guy, a muscular guy in the gym, or a really big huge guy, kids really go up to him and ask him, sir, आप कौन सा whey protein लेते हो, आप कौन से supplement लेते हो, और कोई दूसरा जो trainer होगा, आप कौन सी cycle पे हो, कौन सी cycle लेते हो आप, कौन सा steroid लेते हो आप. कभी आपने दूसरे उसी से आदमी से जो, you know, the guy who's muscular or the guy who's ripped or who's big, कभी आपने उसे ये पूछा है कि आपने कितनी मेहनत करी है, आप कितने साल से कर रहे हो, What's your secret? What do you eat? How do you train? नहीं, सबसे पहले products, सबसे पहले मेंशन कौन सा protein, कौन सा steroid. यार body बनने में लिए ना, there is more to than just products, there is more to everything. You have to have the right training, you have to have the right fucking mindset. You know, it's easy
टू लुक एट somebody एंड से कि अरे यार यू नो ये तो पहलवान है, ये तो क्या है इसकी, मैं बना लूँ ऐसी बॉडी, तो मेरे को तुम डब्बे दे दो वे प्रोटीन के, मेरे को तुम डब्बे दे दो इस प्रोडक्ट के, मेरे को तुम दो साइकिल दे दो स्टेरॉइड की, मैं बना लूँगा, ऐसे नहीं होता. रिस्पेक्ट दैट गाय, यू नो फॉर ऑल यू नो ही इज बीन थ्रू अ लॉट ऑफ शिट इन लाइफ. या सो रिस्पेक्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट अ बॉडी लाइक दैट एवरी टाइम. सो द पॉइंट हियर इज दैट एवरी टाइम यू सी अ गाय इन द जिम और एनी वेयर हु इज गॉट अ ग्रेट फिजिक, डू गो अप टू हिम एंड आस्क हिम कि भाई व्हाट्स योर सीक्रेट, आप कैसे ट्रेनिंग करते हो, आप कैसे खाते हो. लेकिन मैं आपको इसके इसका एक पिटफॉल भी है, इसका नुकसान यह है कि हिंदुस्तान में आधे से ज़्यादा लोग जिनकी अच्छी बॉडी है वो ज़्यादातर चूती हैं. चूती है क्यों है वो आपको कभी सही चीज़ बताएंगे नहीं. वो आपको पता है क्या बोलेंगे, मैं लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई केम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ गाइज एंड आई वेंटेड टू देम, आई वेंट अप टू देम एंड आस्क्ड देम कि यू नो हाउ डिड यू डू इट, व्हाट डिड यू डू इट, यू नो व्हाट दे टोल्ड मी, यू विल बी सरप्राइज्ड. यार मैं तो सिर्फ वे प्रोटीन लेता हूँ, ट्रेनिंग तो मेरी वही नॉर्मल है यार, बस हैवी रेपुटेशन मारता हूँ. दो आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव, बट हे यू नो गिव देम दैट रिस्पेक्ट. ऑल फॉर ऑल यू नो यू गेट लकी एंड द गाय टेल्स यू द रियल थिंग. रियल थिंग नहीं, एटलीस्ट 40-50% चीज़ तो बता ही देगा कि क्या है क्या नहीं है. सो डू गिव गिव दैट रिस्पेक्ट टू दोज गाइज. तीसरी चीज, आई विल बी अपलोडिंग अनदर वीडियो शॉर्टली. वो वीडियो इस चीज़ पे है कि मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही हैं फ्रॉम पीपल फ्रॉम किड्स की, सर व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिमेश रेशमिया, जो उसकी नई मूवी आ रही है तेरा सुरूर, उसने बॉडी बना ली है, फुद्दू बॉडी है भाई. तो आई डू अ डिफरेंट वीडियो ऑन दिस. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट वाज इन बल्किंग एंड कटिंग इन माय लास्ट वीडियो, कि स्टार्व्ड बॉडी, वो बॉडी नहीं कहते उसको, उसको चूसा हुआ आम कहते हैं. तो दैट्स एग्जैक्टली वॉट हिमेश रेशमिया इज. विल टॉक मोर अबाउट दैट वीडियो कि वो वट काइंड ऑफ बॉडी इट इज, हाउ डू यू गेट दैट बॉडी, वट एवर लिटिल चुतियाब दैट इज. सो विल टॉक अबाउट दैट. सो एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन अराउंड दिस अबाउट पोस्ट वर्कआउट मील्स और अबाउट यू नो बॉडी बिल्डर्स वट दे ईट हाउ दे ट्रेन, फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप और आस्क मी एनी थिंग ऑन माई फेसबुक और ऑन माई यूट्यूब चैनल. आई विल बी वेरी हैप्पी टू answer those queries for you. But remember, every time you see a guy with a great physique, respect. He may be a dhakkan, but for all you know, you get lucky and he tells you the right thing. So on that note, I shall see you soon. So till we meet again, see you.